हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ बायो ऑर्गेनिका ऑरेंज फ्रूट पील पाउडर का, जो कि है इंदूज वैली का। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगी मैं, इसे मैंने कहाँ से लिया है, कितने का है, बेनिफिट क्या क्या है, इसे अप्लाई कैसे करना है। सो वीडियो को फुल देखिए और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात करते हैं। व्हाइट और ऑरेंज कलर की कार्डबोर्ड में हमें ये रिसीव हुआ है और इसके बैक साइड आप देख रहे हैं जितने भी पाउडर है ना वो सब आपको मिल जाएंगे अमेजोन में। अगर आप लेना चाहें तो तुलसी लीव है, ये लेमन पील है और ये आपको मुल्तानी मिट्टी है। और इसके MRP है 299 रुपये का है ये मैंने अमेजोन से लिया है और 100 ग्राम इसमें क्वांटिटी आपको मिल रही है। तो चलिए बताते हैं इसमें यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। इसमें ये मेंशन है कि 100% प्योर है ये, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है ये, और ये 100% प्योर है ये। तो चलिए बताते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन है। सो आपको ऑरेंज पील पाउडर लेना है और इसमें वाटर मिक्स करना है और इसे अप्लाई कर लेना है। और हर कोई जानता है कि ऑरेंज पील पाउडर में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होती है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट, और हमारे स्किन की जो सन टैन रहती है उसको भी रिमूव करता है ये, रिमूव करता है डेड स्किन को, क्लॉग पोर को और ब्लैक हेड्स को भी ये रिमूव करता है ये, और ब्लेमिशेज रहते हैं उसे भी ये रिमूव करता है। तो हमारे स्किन को ना एकदम क्लियर बना देता है, क्लियर ग्लास स्किन ऑरेंज पील पाउडर। तो आप चाहे इसे सेपरेट इसी ही यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसे मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ना आपको एक DIY शीट मिलेगा जिसमें रेसिपी मेंशन है कि आप अपने फेस ब्राइटनिंग मार्क्स कैसे बना सकते हैं, स्किन एक्सफोलिएटिंग मार्क्स कैसे बना सकते हैं, और थर्ड वन इज़ एंटी बैक्टीरियल फेस मार्क्स। तो चलिए मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। आफ्टर वॉश माई फेस, अब मैं डायरेक्ट अपने फेस पे ये फेस मास्क अप्लाई करूँगी। तो इसके लिए आपको ये पाउडर लेना पड़ेगा, एक खाली बाउल ले लें। उसके साथ मैं मिक्स करूँगी रोज़ वाटर, तो गुलाब जल मैं इसे यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये देख रहे हैं इसकी जो टेक्सचर वो सेम एज इट इज़ ना, मुझे मुल्तानी मिट्टी की तरह लग रहा है। यहाँ पे मैं पतंजलि का गुलाब जल ली हूँ, आप कोई भी गुलाब जल ले सकते हो। गुलाब जल ना हो तो आप वाटर के साथ भी मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके पैक बना ले। ये इस तरीके का कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, सो एकदम ना फाइन पेस्ट है इसका। उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अपने ऑल ओवर फेस पे, नेक पे, फॉरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसे यूज़ करने के समय मुझे ऐसे ना मतलब कूलिंग सेंसेशन हो रहा है, मतलब एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा है मुझे, जैसे मुल्तानी मिट्टी का नहीं रहता है वैसे वैसे, और ऑरेंज पील का फ्रेगरेंस आ रहा है मुझे, हल्का हल्का स्मेल आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी। सो मैंने अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, पूरा फिनिश कर दिया है मैंने। सो मैंने फेस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लिया है, उसके बाद इसे सूखने के लिए 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी इसे। सो मेरे फेस पैक ड्राई हो चुके हैं, अब मैं आपको कपड़े से स्वाइप करके दिखाती हूँ। सो आप ये देख रहे हैं क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा है मेरे फेस पर। वैसे जब भी अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन में जितनी भी स्किन में टैनिंग हुई रहती है ना वो रिमूव हो जाती है। वैसे हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, आप हफ्ते में 2 बार इसे, 3 बार इसे लगा सकते हो। सो मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील करती है। इसके बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा के ना नाइट में आराम कर सकते हो। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा फेस पैक है ये। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।